बेसिक एविएशन मेट्रोलॉजी में अपन स्टडी करते हैं एटमॉस्फेयर की, या एटमॉस्फेयर के जो भी अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, या एटमॉस्फेयर की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह, इन सब की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और अपन आज की क्लास की बात करें तो एवरी 5 मिनट्स में मैं आपको 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो कि मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको आप सोल्व करोगे एंड वेरीफाई करवाओगे। और जो लोग ऑनलाइन है, जो लोग ऑफलाइन नहीं है, उनको चाहिए कि वो वीडियो देखने के बाद में उसमें बीच बीच में जो 5-7 क्वेश्चन दिए रहेंगे उनको सॉल्व करें एंड कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजें। ठीक है, मैं चेक भी करने वाला हूँ। ठीक है, और किसी भी तरह की दिक्कत होती है, किसी भी तरह का डाउट होता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड yes. आपको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए हमें वो भी बताएं। ठीक है, तो हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। क्लियर? ओके, तो आगे बढ़े। यस, या कुछ रह गया अभी? ठीक है, तो अपन बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर लोएस्ट लेयर की अपन बात करें तो लोएस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर की हाइट एट इक्वेटर होती है 16 किलोमीटर, करेक्ट, एंड एट पोल होती है 8 किलोमीटर। ऐसा क्यों? बिकॉज पोल पे टेम्परेचर लोअर होगा, एंड टेम्परेचर लोअर होगा तो एयर हेवियर होगी, हेवियर होगी तो सिंक करेगी, नीचे बैठेगी, करेक्ट, तो ट्रोपोपोज की हाइट भी लेस होगी। तो हाइट ऑफ द ट्रोपोपोज एट पोल इज 8 किलोमीटर एंड एट इक्वेटर दिस इज 16 किलोमीटर, करेक्ट। तो एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी ट्रोपोस्फीयर की या फिर ट्रोपोपोज की? 11 किलोमीटर, करेक्ट। तो बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर को अपन बोलते हैं ट्रोपोपोज। तो अपन टेम्परेचर की बात करें तो ट्रोपोपोज पे कितना टेम्परेचर होगा? -75 डिग्री। ठीक है, तो -75 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। एंड एट पोल पे कितना टेम्परेचर होगा? बिकॉज पोल पे हाइट ऑफ द ट्रोपोपोज इज लोअर देन इक्वेटर, तो वहां पे कितना होगा टेम्परेचर? विल बी -40 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट, -40 डिग्री सेल्सियस। सो एवरेज टेम्परेचर कितना लेते हैं हम? जैसे हमने एवरेज हाइट लिया 11 किलोमीटर, उसी तरह से एवरेज टेम्परेचर कंसिडर करते हैं -56.5 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। सिंपल, ये चीजें आपको याद रखनी है, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। इसमें से कम मेट्रोलॉजी की, आप किसी भी ऑक्सफोर्ड की आप बात करें, आईसी जोशी की आप बात करें, किसी जाफा, किसी भी मेट्रोलॉजी की आप बात करो, तो उसमें कम से कम 40-50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो में, एक क्लास में। yes. ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर हो जाता है ट्रोपोपोज का। ट्रोपोपोज की हम हाइट की बात करें तो ट्रोपोपोज की विड्थ जो होती है टोटल 2 किलोमीटर होती है, यानी ट्रोपोपोज की हाइट ऑफ द ट्रोपोपोज इज 16 to 18 किलोमीटर एट इक्वेटर एंड 8 to 10 किलोमीटर एट पोल। सिंपल, हमारा आता है वेदर का। वेदर की अपन बात करें तो सारे वेदर इसी में ट्रोपोस्फीयर में ही होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में कोई भी वेदर नहीं होता। एंड स्ट्रेटोस्फीयर की से ऊपर की अपन बात करें तो वहां तो वेदर होने का सवाल ही नहीं। ठीक है, वेदर 100% ट्रोपोस्फीयर में ही होते हैं। ठीक है, एंड क्लाउड्स की भी अपन बात करें तो सारे क्लाउड्स भी ट्रोपोस्फीयर में ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल क्लाउड होते हैं, जैसे कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, एंड नॉक्टिलुसेंट क्लाउड की बात करें तो मेसोस्फीयर में होता है। इन क्लाउड्स को छोड़ के सारे क्लाउड्स इसी में होते हैं, किसमें? ट्रोपोस्फीयर में। बिकॉज जो ट्रोपोपोज होता है ये बाउंड्री का काम करता है। ठीक है, तो जो भी टर्बुलेंस ऊपर जाएगा एक्चुअली ये बाउंड्री का काम करेगा, तो ये यहाँ से ऊपर जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो सारे वेदर आपके इसी में रह जाते हैं। एंड बाकी डिटेल में मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बरसात कैसे होती है, या हवा कैसे चलती है। एंड टाइप ऑफ क्लाउड तो मैं बाद में बताने वाला हूँ, उनको एक सेपरेट वीडियो में अपन शेयर करेंगे। आपको जो क्लास दी जाती है वो सेपरेट क्लास में अपन शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी ट्रोपोपोज की बात आती है तो आपके दिमाग में 2-3 चीजें आएंगी। क्या क्या चीजें आएंगी? कि जो भी वेदर होते हैं वो ट्रोपोपोज से नीचे नीचे होते हैं। दूसरी चीज, जो हाईएस्ट विंड स्पीड होती है वो ट्रोपोपोज पर ही होती है। जैसे जेट स्ट्रीम का नाम सुना ही होगा ना, जेट स्ट्रीम बहुत हाई स्पीड वाले विंड्स होती हैं, जो रिवर टाइप फ्लो होता है जिनका, है ना। अपन एग्जाम पर्पज से उन्हें कंसिडर करते हैं, 2000 नॉटिकल माइल की लेंथ, है ना, 2 नॉटिकल माइल की हाइट एंड 200 नॉटिकल माइल की विड्थ। ठीक है, उसमें वैसे तो नॉर्मली तो 200-250 नॉट से होती है, बट कुछ केसेज ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें 350 नॉट्स तक भी इसमें विंड पॉसिबल होती है, करेक्ट। आपको क्वेश्चन इस तरह का आता है कि मैक्सिमम पॉसिबल विंड स्पीड इन जेट स्ट्रीम कितना होता है, तो 350 होगा और 300 होगा, है ना, लेकिन नॉर्मली 250 नॉट्स, करेक्ट। तो जेट स्ट्रीम इसी लेवल पर होते हैं, ट्रोपोपोज वाले लेवल पर ही।
यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को देखनी होगी, हालांकि उसे मैं टेम्परेचर में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर -56.5 डिग्री सेल्सियस आ गया है, तो इससे ऊपर अपन थ्योरी पर्पज से टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट ही मानते हैं। यानी यहाँ पे भी हम कितना कंसिडर करेंगे टेम्परेचर को, -56.5 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ तक रहेगा आपका, ओजोन। 11 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर, ओके सर। ठीक है, 11 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर तक इतना ही टेम्परेचर हम कंसिडर करते हैं, ओके सर। करेक्ट। तो ये हो गया आपका ट्रोपोस्फियर, इधर हो गया ट्रोपोपोज, एंड इसके ऊपर की अपन बात करें तो आ जाता है स्टेटोस्फियर। इस लेयर को बोलते हैं अपन स्टेटोस्फियर, जिसकी हाइट कितनी होती है एट इक्वेटर, दिस इज 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, करेक्ट। यस एंड एट पोल दिस इज फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, करेक्ट। ये हो गया हाइट ऑफ स्टेटोस्फियर। इसमें अपन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद हाइट, मीन्स इस पे टेम्परेचर कितना रहेगा, -56.5 डिग्री सेल्सियस थियोरेटिकली। हालांकि प्रैक्टिकली अपन देखें तो इसमें बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर टेम्परेचर विल इंक्रीज विद हाइट, ठीक है, टेम्परेचर विल इंक्रीज विद हाइट। किस रेट पे, एट ए रेट ऑफ 0.3 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। सर स्ट्रेटोस्फीयर में पोल और इक्वेटर की दोनों की हाइट सेम होती है क्या? हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में अपन स्ट्रेटोपोज की बात करें या स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो पोल पे एंड इक्वेटर पे हाइट सेम होती है, सिर्फ ट्रोपोस्फीयर है इसकी हाइट पोल पे हाफ ही रहती है, यानी जस्ट 8 किलोमीटर एंड इक्वेटर पे 16 किलोमीटर। बाकी अपन बात करें स्ट्रेटोपोज की, स्ट्रेटोस्फीयर की या थर्मोस्फीयर की, तो सबकी हाइट सेम कंसिडर की जाती है। ओके सर। अब अपन स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो इसमें ये भी देख लेते हैं कि इस पे कोई भी क्लाउड्स नहीं होते एक्सेप्ट मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के। यहाँ पे सिर्फ एक क्लाउड होगा जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, ठीक है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, ठीक है। ये पर्ल जैसा ही दिखता है, मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्लाउड हो गया इसमें, बट इससे कोई रेन नहीं होता, ये आइस क्रिस्टल्स का ही बना होता है, ठीक है। और इसी तरह से अपन ऊपर भी बात करेंगे मेसोस्फीयर पे, वहां पे भी एक क्लाउड होता है लेकिन उसका भी वेदर से कोई लेना देना नहीं रहता, जिसका नाम होता है नॉक्टिलुसेंट क्लाउड, ठीक है। वो भी कभी कभार ही दिखता है एंड वो कुछ मिड लैटिट्यूड्स के आसपास ही दिखता है, 55 डिग्री से ऊपर ही, करेक्ट। तो ये आपका स्टेटोस्फीयर भी हो गया, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा आप लोगों को, है ना। अभी अपन बात करते हैं स्टेटोस्फीयर से ऊपर की, तो स्टेटोस्फीयर से ऊपर क्या होता है स्टेटोपोज, एंड स्टेटोपोज क्या होती है बाउंड्री बिटवीन स्टेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर, एंड अगेन इसकी विड्थ भी 2 किलोमीटर ही होगी, एंड 2 किलोमीटर मीन्स 50 किलोमीटर टू 52 किलोमीटर, करेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक से, बिकॉज सारे क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें से 40 से 50 क्वेश्चन बनते हैं, एंड अपन सीपीआर की बात करें या एटीपीआर की, मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें से लेकर चलो, 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और आपका टोटल पेपर होता है 50 क्वेश्चन का, ठीक है। तो यानी 20% क्वेश्चन इधर से ही आने वाले हैं, तो इसी वीडियो को 2 बार देखो, 4 बार देखो, 6 बार देखो, और बेसिक चीजें आपको समझ आ जाती हैं तो सारी मेट्रोलॉजी रट जाएगी, करेक्ट। और बेसिक आपको समझ नहीं आता है तो कोई भी फायदा नहीं है स्टडी करने का, मतलब आगे के चैप्टर्स पढ़ने का, क्लियर। टेम्परेचर की बात करें तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फीयर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.3 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट, सो टेम्परेचर एट स्ट्रेटोपोज विल बी 0 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। ओके यस, तो सो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद हाइट इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। इस लेयर को अपन बोलेंगे इनवर्जन लेयर, बिकॉज जिसमें भी टेम्परेचर हाइट के साथ में इंक्रीज होता है उसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर इनवर्जन लेयर, करेक्ट। तो एक इन्वर्जन लेयर हो जाती है ना, इसमें भी मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ इन्वर्जन। तो जैसा कि मैंने पहले आपको लोगों को बताया कि टेम्परेचर हाइट के साथ में डिक्रीज होता है, किस रेट पर, 1.98 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। बट यहाँ पे एक्सेप्शनल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किस रेट पर, 0.3 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट पे, सो टेम्परेचर एट स्टेटोपोज विल बी 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स ग्रेटर देन एनी टेम्परेचर इन स्टेटोस्फीयर, ठीक है, और इवन एट टॉप ऑफ
ट्रोपोस्फीयर, बिकॉज एट टॉप ऑफ ट्रोपोस्फीयर टेम्परेचर इज -75 डिग्री सेल्सियस ना, सो 0 डिग्री सेल्सियस इज ऑब्वियसली ग्रेटर, सिंपल. सो दिस लेयर इज कॉल्ड इनवर्जन लेयर. ठीक है, ओके सर. इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ. ओजोन लेयर का जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन होता है वो होता है 20-25 किलोमीटर, करेक्ट? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो इसको स्ट्रेटोस्फीयर में अपन नॉर्मली बोलते हैं कि टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट विद हाइट, बट एक्चुअली टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है फ्रॉम 11 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर ओनली, 11 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर, एंड आफ्टर 20 किलोमीटर बिकॉज ऑफ द ओजोन टेम्परेचर इंक्रीजेस. ठीक है, सो देयर विल बी इनवर्जन लेयर, सिंपल. अभी आगे बढ़े. जी सर. तो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं. नेक्स्ट है ना लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेसोस्फीयर. ठीक है जी सर. तो मेसोस्फीयर इज थर्ड लेयर है ना. ठीक है, तो मेसोस्फीयर की क्या खासियत होगी? दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एंड कोल्डेस्ट लेयर मीन्स एवरेज टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे? -73 डिग्री सेल्सियस, वन थिंग, करेक्ट? एंड अदर थिंग की हाइट ऑफ द मेसोस्फीयर कितनी होती है यहाँ पे? अपन मानते हैं इसको 80 किलोमीटर. हाउ मच? 80 किलोमीटर. सो मेसोपोज की हाइट क्या होगी? 82 मतलब 80 से 82 किलोमीटर, सिंपल. यस, ठीक है. तो ऊपर अपन जाते हैं मेसोस्फीयर से या मेसोपोल से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे थर्मोस्फीयर आ जाता है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है हाइट के साथ में. ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप का क्लाउड भी होता है जिसको क्या नाम देते हैं अपन? नॉक्टिलुसेंट क्लाउड. इससे कोई रेन नहीं होता, इससे कोई वेदर डेवलप नहीं होता, जस्ट एक क्लाउड ही होता है. ये थोड़ा रेयर होता है, कभी कभार ये दिखता है, एंड ये भी हायर लेटिट्यूड्स पे दिखता है, लोअर लेटिट्यूड्स पे नहीं दिखता है. तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि नॉक्टिलुसेंट क्लाउड किस लेयर में होता है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किस लेयर में होता है, या फिर ट्रोपोस्फीयर में कौन कौन से क्लाउड होते हैं. तो सारा वेदर तो इसी में होता है ट्रोपोस्फीयर में, तो इसका हमें अलग से एक क्लास करनी पड़ेगी जिसमें टाइप ऑफ क्लाउड या किस तरह से क्लाउड बनते हैं ये सारा उसमें बताया जाएगा. जी सर. ठीक है, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन हुआ एटमोस्फेयर का, सिंपल सा. ठीक है, जिसमें मैंने जस्ट आपको डेटाज बताए कि किस लेयर की कितनी हाइट होगी, है ना, उसमें टेम्परेचर कितना रहेगा. तो ये बेसिक डेटा हो गए, लेकिन टेम्परेचर होता क्या है, वो इंक्रीज किस रेट पे होता है, डिक्रीज किस रेट पे होता है, वेदर कौन से लेयर में बनता है, एंड वेदर मीन्स क्या होता है, क्लाउड्स कितने टाइप के होंगे, तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, तो हालांकि इसमें अपन सिर्फ बेसिक चीजें बताने वाले हैं आज के वीडियो में, या आज की क्लास की बात करें तो बेसिक चीजें ही बताने वाले हैं. ठीक है, लेकिन अगले वीडियो में फिर डिटेल में भी जाएंगे, जैसे आज जस्ट अपन क्लाउड्स का टाइप बताएंगे, नाम बताएंगे कितने टाइप के होते हैं, लेकिन अगले में बताने वाले हैं कि कौन सा क्लाउड हेल देता है, कौन सा क्लाउड प्रेसिपिटेशन देता है, कौन से क्लाउड में लाइटनिंग होती है, कौन से में थंडरिंग होती है ना, कौन सा क्लाउड डेंजरस होता है, कौन सा क्लाउड यूजफुल होता है, किसमें फॉग होती है, करेक्ट, एंड विच क्लाउड इज एसोसिएटेड विद हाई स्पीड विंड्स और वर्टिकल करंट्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं. ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को कुछ 5-7 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करो. ठीक है, और आप लोग जो ऑफलाइन क्लास में हो वो तो अभी मेरे से वेरीफाई करवा लो आंसर, और जो लोग भी ऑनलाइन हैं, जो लोग भी बाद में वीडियो को देखते हैं, उन लोगों को चाहिए कि इसके जो भी आंसर आप सेलेक्ट करते हो ABCD वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई भी तरह की दिक्कत होती है, डाउट होता है, तो मैं वहाँ पे उनको करेक्ट करने के लिए या फिर आपको आपका डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है, अपनी तरफ से जो भी कोशिश होगी वो करो. अभी अपन प्रॉपर्टीज ऑफ द एटमॉस्फेयर पे आते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट अपन लेते हैं प्रेशर. ठीक है, प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को अपन मेजर करते हैं इंचेज ऑफ मर्करी में भी मेजर कर सकते हैं, या फिर हेक्टोपास्कल में भी मेजर कर सकते हैं, या फिर मिली बार में भी मेजर कर सकते हैं. ठीक है, मेन सी लेवल की अपन बात करते हैं तो मेन सी लेवल पे प्रेशर का वैल्यू होता है 1013 मिली बार और 29.92 इंचेज ऑफ मर्करी. एंड अपन टेम्परेचर का डिक्रीज या इंक्रीज होने की बात करें हाइट के साथ में, तो मैंने पहले अल्टीमीटर वाला जो वीडियो है मेरा लास्ट, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट, एंड किस रेट पे डिक्रीज होता है, इनिशियली एट मेन सी लेवल उसका डिक्रीज रेट होता है 27 फीट पर मिलीबार.
ठीक है, मींस 1 मिलीबार का वैल्यू 27 फीट होता है ठीक है। और अपन बात करें 20,000 फीट की, तो 20,000 फीट पे प्रेशर का डिक्रीज रेट क्या होता है, 1 मिलीबार एट 50 फीट, करेक्ट करेक्ट यस ठीक है। एंड अपन और भी हाइट की बात करें, 40,000 फीट की अपन बात करें, तो एट 40,000 फीट 1 मिलीबार एट एवरी 100 फीट, करेक्ट। यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ कि जब भी आपको मिलीबार को इंचेज ऑफ मर्करी में या इंचेज ऑफ मर्करी को मिलीबार में कन्वर्ट करना होता है, तो उसका क्या तरीका होता है कि जब भी मिलीबार को आपको कन्वर्ट करना हो इंचेज ऑफ मर्करी में, तो मिलीबार को डिवाइड कर दो किससे, 33.86 से, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 29.92 इंचेज ऑफ मर्करी। और जब भी आपको इंचेज ऑफ मर्करी को कन्वर्ट करना हो हेक्टोपास्कल में, तो आप क्या करोगे, 33.86 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल ठीक है। एंड एटमॉस्फेयर पे कुछ मैं डेटा भी आपको दे देता हूँ कि अपन मेन सी लेवल यानी 0 फीट पे अपन कंसीडर कितना करते हैं प्रेशर को, 1013 मिलीबार। एंड बात करें 5000 फीट की, तो 5000 फीट पे कितना प्रेशर होगा, 850 मिलीबार। एंड 10,000 फीट की बात करें, तो 10,000 पे कितना प्रेशर होगा, 700 मिलीबार ठीक है। एंड 18,000 फीट पे कितना होगा, 500 मिलीबार करेक्ट। एंड एट 24,000 फीट 400 मिलीबार करेक्ट। तो कॉन्फिडेंटली बोला करो जब जानते हो ठीक है। एंड बात करें 30,000 फीट की, तो कितना प्रेशर होगा, 300 मिलीबार करेक्ट। एंड 39,000 पे कितना होगा, 200 मिलीबार करेक्ट। एंड एट 51,000 फीट कितना प्रेशर रहेगा, 100 मिलीबार। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना, तो ये बड़ा यूजफुल रहेगा आपको प्रैक्टिकली फ्लाइंग में भी एंड एग्जाम में भी ठीक है। यस सर। एंड आज का वीडियो मैंने पहले बताया कि इतना इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने कोई भी नहीं बनाया होगा जितना इंपॉर्टेंट ये है ठीक है। इसमें मैक्सिमम बेसिक एविएशन मेट्रोलॉजी को कवर कर रहे हैं अपन जी सर ठीक है। एंड अभी अपन बात करते हैं टेम्परेचर की, तो अपन मीन सी लेवल पे टेम्परेचर एज पर आई एस ए कितना कंसिडर करते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस एज पर आई एस ए यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग अपन मानते हैं मीन सी लेवल पे 15 डिग्री टेम्परेचर। हालांकि रियल में 15 डिग्री शायद ही कभी होता हो ठीक है। एंड इसका जो डिक्रीज रेट अपन लेते हैं यानी डिक्रीज रेट को अपन बोलते हैं लैप्स रेट, मीन्स टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट एट ए रेट ऑफ 1.98 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट ठीक है। तो 1000 फीट पे कितना टेम्परेचर होगा एट ए हाइट ऑफ 1000 फीट कितना टेम्परेचर होगा, 2 डिग्री माइनस कर दो तो ऑलमोस्ट 13 डिग्री सेल्सियस जी सर ठीक है। एंड 2000 पे कितना टेम्परेचर होगा, अगेन 13 माइनस 2 ऑलमोस्ट 11 डिग्री सेल्सियस। एंड एट 3000 फीट पे ऑलमोस्ट 9 डिग्री सेल्सियस सिंपल ठीक है। सो दिस टेम्परेचर इज आईएसए टेम्परेचर, मींस एज पर आईएसए टेम्परेचर एट 2000 फीट विल बी 11 डिग्री सेल्सियस एंड एट 3000 फीट 9 डिग्री सेल्सियस एट 1000 फीट 13 डिग्री सेल्सियस जी सर। बिकॉज़ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 15 माइनस अल्टीट्यूड इन थाउजेंड्स इनटू 2 यस करेक्ट। तो इस फार्मूले से आप लोग आईएसए टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं ओके सर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, आईएसए टेम्परेचर एट 20,000 फीट कितना होगा, 15 माइनस 20 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस 25 डिग्री सेल्सियस सिंपल। दिस इज द आईएसए टेम्परेचर करेक्ट। यस। सो एज पर आईएसए टेम्परेचर एट 20,000 फीट भी माइनस 25 डिग्री सेल्सियस है ना, बट सपोज टूडेज एक्चुअल टेम्परेचर एट 20,000 फीट इज
-30 डिग्री सेल्सियस जी सर, तो ये आईएसए से तो डेविएट हो गया जी, है ना। आईएसए टेम्परेचर इज -25 बट एक्चुअल टेम्परेचर इज -30, सो आईएसए डेविएशन कितना हो गया, आईएसए डेविएशन इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो टेम्परेचर शुड बी -25 बट एक्चुअल टेम्परेचर -30, सो -5 डिग्री सेल्सियस ना, यस जी सर, 5 डिग्री सेल्सियस लोअर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आईएसए डेविएशन इज इक्वल टू एक्चुअल टेम्परेचर माइनस आईएसए टेम्परेचर, ठीक है yes. तो कितना हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर, यस सिंपल, ठीक है। तो अभी आप लोगों को जो सेकंड क्वेश्चन सेट इसमें देने वाला हूँ उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, तो उनको भी आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, है ना। ओके, टेम्परेचर भी हो गया, अभी अपन लेते हैं थर्ड पॉइंट जो होता है डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी आप लोग देखोगे, सबसे पहले अपन मीन सी लेवल की डेंसिटी कंसीडर करते हैं, डेंसिटी एट मीन सी लेवल एज पर आई एस ए देखो 1225 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, जी सर करेक्ट, एंड विद इंक्रीजिंग हाइट डेंसिटी विल डिक्रीज बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, so and pressure is decreasing with increasing height na ji sir, so density will also decrease, theek hai sir। to apan baat kare at 20000 feet density kitni hogi almost 50%, and 50% means almost 612 gram per cubic meter ji sir, theek hai as per ISA correct। and abhi apan baat kare ki डेंसिटी एट 40,000 फीट कितना होगी, ऑलमोस्ट 25% 306 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, डेंसिटी मीन सी लेवल पे कितनी होगी 1225 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, 20,000 फीट पे 50%, 40,000 फीट पे, लेकिन ये डेंसिटी एज पर आईएसए होती है, हालांकि जो एक्चुअल डेंसिटी होगी वो एक्चुअल कंडीशंस में ही होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है जी सर, ठीक है। सपोज आज टेम्परेचर 15 डिग्री के बजाय 30 डिग्री सेल्सियस हो गया है, ठीक है, तो एयर क्या होगा, एक्सपेंड होगी, एयर एक्सपेंड होगी तो लाइट होगी, एंड लाइट होके ऊपर उठेगी करेक्ट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेंसिटी विल डिक्रीज एट मीन सी लेवल एंड इवन एट मतलब एनी लेवल, एट एनी लेवल डेंसिटी विल डिक्रीज इफ टेम्परेचर इज हायर देन आईएसए, एंड इफ टेम्परेचर इज लोअर देन आईएसए होगा तो क्या होगा, जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन में टेम्परेचर लोअर ही होगा, तो लोअर में तो ऑब्वियसली डेंसिटी विल इंक्रीज ना, बिकॉज एयर कोल्डर होगी, कोल्डर होगी तो सिंक करेगी, नीचे बैठेगी, तो मीन सी लेवल डेंसिटी विल इंक्रीज, है ना। उसका वेट कितना होगा, 1225 ग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा होगा, लेकिन इसके क्या एडवांटेज होते हैं, है ना, हायर डेंसिटी के एडवांटेज भी होते हैं कि हायर डेंसिटी मीन्स हायर प्रेशर, एंड किसी भी इंजन की अपन बात करें, चाहे वो पिस्टन इंजन हो, चाहे वो जेट इंजन हो, टर्बो प्रोप हो, टर्बो फैन हो, जो भी इंजन हो, उसमें मोर एयर विल एंटर मींस परफॉर्मेंस इंजन की अच्छी रहेगी, एंड एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगी, कब, विंटर सीजन में जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो लिफ्ट अच्छी मिलेगी तो लेस लेंथ ऑफ रनवे इज रिक्वायर्ड फॉर टेक ऑफ, क्लाइंब रेट विल ऑल्सो बी बेटर, जैसे सपोज अर्लियर क्लाइंब रेट वॉज 500 फीट पर मिनट, तो भी हो सकता है 550 फीट पर मिनट मिल रही हो क्लाइम रेट, या फिर 600 फीट पर मिनट, ठीक है, तो ये बड़ी यूजफुल होती है डेंसिटी फ्लाइंग के लिए। अभी अपन लेते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी एक्चुअली परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस उतनी ही पुअर होगी, बिकॉज जो ह्यूमिडिटी किसकी बनी होती है, H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन की जगह लेती है, तो इसकी डेंसिटी कम होगी, एटमोस्फेयर की डेंसिटी कम रहेगी तो क्या होगा, परफॉर्मेंस पुअर रहेगी एयरक्राफ्ट की, इसीलिए जब भी आप देखोगे रेनी सीजन तो उसमें मोर लेंथ ऑफ रनवे इज रिक्वायर्ड फॉर टेक ऑफ, या क्लाइंब रेट विल बी पुअर, तो कुल मिला के उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट 100 पैसेंजर्स के लिए या 100 क्विंटल कार्गो के लिए डिजाइन किया जाता है उसमें पूरा वेट ना लेके अपन थोड़ा सा कम वेट लेंगे, ठीक है, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ वेट भी उतना ही कम रखा जाएगा। एंड ह्यूमिडिटी के अपन मेजरमेंट की बात करें तो इसे अपन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, करेक्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स जैसे कि ये एक रूम हो गया, ठीक है, इस रूम में सपोज कि जो भी एयर है वो होल्ड कर सकती है 5 लीटर ऑफ वाटर वेपर को, करेक्ट, एट गिवन टेम्परेचर, सपोज टुडेज टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, बट आज अपन प्रेजेंटली बात करें तो इस रूम में कितना वाटर वेपर है, जस्ट 2.5 लीटर। तो ये कितना हुआ उसका 5 का 50%, 2.5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इज इक्वल टू 50%। सो टुडे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 50% ऑलवेज, करेक्ट, एट गिवन टेम्परेचर। अभी क्या होगा, सपोज कि टेम्परेचर बढ़ गया 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसी एयर की होल्डिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज ना जी। सपोज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया 5 लीटर से 6 लीटर हो गई जी सर, बट उसमें वाटर वेपर तो कितना है, 2.5 लीटर ही है जी सर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और भी कम हो जाएगी, यानी 35-40% जी सर, करेक्ट। एंड सपोज टेम्परेचर आज कम हो जाता है, अभी प्रेजेंट टेम्परेचर वाज 30 डिग्री सेल्सियस, बट टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री सेल्सियस ही रह गया, तो होल्डिंग कैपेसिटी विल बी लेस ना जी सर। सपोज कि अभी उसकी 2.5 लीटर ही हो गई है एंड उसमें ऑलरेडी 2.5 लीटर ही है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी उस कंडीशन में, 100%। बिकॉज जितनी होल्डिंग कैपेसिटी है उतना वाटर वेपर उसमें एग्जिस्ट है ही। इसकी हाइट्स की अपन बात करते हैं, तो हाइट मैंने ऑलरेडी आपको सारी बता दी है, ट्रोपोस्फीयर की कितनी हाइट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर की कितनी हाइट होती है ना। अभी हमारा लास्ट पॉइंट आता है क्लाउड्स, ठीक है, तो क्लाउड्स का जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सारे क्लाउड्स किसमें एग्जिस्ट होते हैं, ट्रोपोस्फीयर में, बाकी एक्सेप्शनली ही कुछ क्लाउड ऊपर होते हैं। जैसे अपन इसकी बात करें स्ट्रेटोस्फीयर की, तो इधर मदर ऑफ पर्ल क्लाउड होता है, या फिर अपन बात करें मेसोस्फीयर की, इसमें नॉक्टिलुसेंट क्लाउड होता है, ठीक है, लेकिन इनका प्रेसिपिटेशन से यानी बरसात या ओले ओले देने से इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। और ये आइस पार्टिकल्स के ही बने होते हैं, बिकॉज इतनी हाई अल्टीट्यूड पर टेम्परेचर ऑब्वियसली -40 या उससे लेस ही होगा, तो -40 से लेस जब भी टेम्परेचर होता है तो वहां पे वाटर वेपर है उसको फ्रीज होने के लिए कोई न्यूक्ली नहीं चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्टली फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए बोथ नॉक्टिलुसेंट एंड मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल्स, एंड ये आइस क्रिस्टल से बने होंगे तो एयरक्राफ्ट को भी इनसे कोई डेंजर नहीं होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी फ्रीजिंग पोजीशन में है ना, ऑलरेडी फ्रोजन कंडीशन में है ना सर। एक नेक्रियस क्लाउड भी होता है ना? हाँ, नेक्रियस क्लाउड एक्चुअली मदर ऑफ पर्ल क्लाउड को ही नेक्रियस क्लाउड बोलते हैं, ठीक है, तो इसी का नाम होता है, तो ये चीज याद रखना, बोथ मदर ऑफ पर्ल क्लाउड एंड नेक्रियस क्लाउड आर सेम, है ना, एंड ये होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में जी। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को अभी मैं कुछ 5-7 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको सॉल्व करें एंड इनको मेरे को यहीं पे वेरीफाई करवा लें आप लोग, जो भी ऑफलाइन में, बाकी ऑनलाइन वालों के लिए है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सॉल्यूशन आए उसको कमेंट बॉक्स में ABCD सिर्फ ना लिखें, उस पर पूरा ऑप्शन, पूरे फुल ऑप्शन लिखें जिससे समझने में आसानी रहे। हाँ, और आपको कोई डाउट है तो फिर वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मतलब कौन सा चाहिए आपको वो भी बताएं, है ना। बेसिक मेट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन जिसमें एटमॉस्फेयर भी हमने कवर किया एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, टेंपरेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये भी कवर हो गई है, करेक्ट जी सर। एंड अपन अगले वाले वीडियो की बात करें तो उसमें बाकी चीजें कवर करेंगे, ठीक है, लेकिन आज वाले अपन वीडियो की बात करें तो पहले आप लोगों ने, मैंने इसमें 2 बार क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन वाले कैंडिडेट तो अभी जो भी 5-7 क्वेश्चन है उनको करके दिखाएं, और ऑनलाइन वाले कैंडिडेट हैं वो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं आंसर, और किसी तरह का डाउट है या आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो जरूर वहां पे लिखें, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं आंसर, ठीक है। इसके अलावा कोशिश करना कि मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करें जिससे मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए, बिकॉज अपन जहाँ पे भी देखते हैं ये CPL की क्लासेस के 2-3 लाख रुपए मांगना मतलब आम बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं लेकिन बेचारे मैनेज नहीं कर पाते उतना पैसा, तो खासकर उन्हीं लोगों के लिए मैं इस तरह के वीडियो डालता हूँ, है ना। मेरी कोशिश यही है कि वो लोग सेल्फ स्टडी भी कर सके घर पर रहकर, फिर चाहे वो ATPL के स्टूडेंट हो, PPL के स्टूडेंट हो या फिर CPL के, ठीक है। इवन एयरलाइंस प्रिपरेशन वालों को भी बहुत एडवांटेज मिलने वाला है अपना, एक मतलब इसी वीडियो में मैं गारंटी दे सकता हूँ मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं, जब इतने सॉलिड वीडियो आपको मिल रहे हैं तो क्यों नहीं आप सेल्फ स्टडी करें। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही है ना, आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें एंड जो भी बात की प्रॉब्लम है उनको भी हल करें, है? तो जल्दी अपन किसी दिन फिर से रिकॉर्ड करेंगे अपनी क्लास को, तो एक और वीडियो डाल देंगे है जो क्लाउड्स के बारे में या जो भी कैंडिडेट चाहेंगे उस टॉपिक पे होगा, है। चलो तो आज के लिए इतना ही है ना, और बाय, थैंक यू।